नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी जायसवाल। खबर है कि खगौल में 4 किलो गांजा के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में बता दें कि दानापुर रेलवे स्टेशन के पास से टेम्पो स्टैंड के करीब से मधुबनी के रहने वाले एक व्यक्ति से पुलिस ने 4 किलो गांजा का पैकेट बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राम प्रसाद महतो बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पटना के दुल्हिन बाजार में कुकरी बिघा गांव में बीएलओ ने चुनाव पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया है। इस संबंध में बता दें कि मतदाता संख्या 88 पर विद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। मौके पर गांव जवार के महिला व पुरुष एकत्रित दिखे। वहीं फतुहा में भी जेठली उत्कर्मित हाई स्कूल में सेक्टर मजिस्ट्रेट अजय कुमार तिवारी के द्वारा मतदाता पाठशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जागरूक मतदातागण उपस्थित थे। धनरुआ में पुलिस ने देसी शराब के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नौजवान काफी दिनों से अवैध रूप से देसी शराब बेचने का धंधा कर रहे थे, जिसे मौका पाकर धर दबोचा गया। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं कल पटना सिटी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव शामिल हुए। मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्री नंद किशोर यादव ने कहा कि चुनाव होने वाली है, इसलिए सभी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी में लग जाए। हम लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं खबरों के साथ विदा लेती हूं। नमस्कार।